नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी। आइए देखते हैं इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सोनालिका ने आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैक्टर की कीमत प्रदर्शित करने की करी घोषणा। हेमंत सिक्का ने वित्त वर्ष 2023 में रिकॉर्ड ट्रैक्टर निर्यात की करी भविष्यवाणी। गरुड़ एरोस्पेस को मिली DGCA से टाइप सर्टिफिकेशन और RTPO मंजूरी। मानसी टाटा बनी किर्लोस्कर जॉइंट वेंचर की प्रमुख। ट्रैक्टर पर सब्सिडी पा सकते हैं हरियाणा के किसान, 10 जनवरी तक करें आवेदन। इस वित्त वर्ष 9 लाख से अधिक ट्रैक्टर बिक्री की जताई जा रही है उम्मीद। पाइए धान रोपण मशीन पर 50% तक अनुदान। BS TRAM 4 नॉर्म्स के कारण जनवरी 2023 से डीजल ट्रैक्टर की कीमत बढ़ने की आशंका। भारत से कृषि ट्रैक्टरों के निर्यात में अप्रैल से अक्टूबर के बीच देखी गई 2.5 गुना बढ़त। अमृतसर जिला कृषि विभाग कृषि यंत्रों पर दे रहा है अनुदान, 3 जनवरी तक करें आवेदन। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। किसान दिवस पर सोनालिका ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैक्टर की कीमतों को प्रदर्शित करने वाला पहला घरेलू ट्रैक्टर ब्रांड बनकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। सोनालिका ट्रैक्टर्स भारत का नंबर 1 ट्रैक्टर निर्यात ब्रांड है, जो ट्रैक्टर उद्योग में क्रांति लाने वाले साहसिक कदम उठाने के लिए जाना जाता है। हाल ही में कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट फिर से शुरू की है, जहां किसान अपने पसंदीदा ट्रैक्टरों की कीमत की तुलना कर सकते हैं। सोनालिका के इस अद्वितीय कदम का उद्देश्य ट्रैक्टर की कीमतों में पारदर्शिता बढ़ाना है, जो कि किसानों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। सोनालिका ट्रैक्टर उद्योग की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने अपनी तरह के इस अनूठे कदम से किसानों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने का फैसला किया है। ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार ट्रैक्टर उद्योग ने वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल और नवंबर के बीच 89,192 ट्रैक्टरों का निर्यात किया, जो वित्त वर्ष 2021-22 के समान अवधि के दौरान 85,281 इकाइयों से अधिक है। हेमंत सिक्का के अनुसार स्थानीय रूप से निर्मित कृषि मशीनों के प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के कारण ट्रैक्टर निर्यात में वृद्धि हुई है, जो अपने विदेशी समकक्षों की तुलना में काफी कम कीमतों पर बेहतरीन तकनीक, आरामदायक केबिन और एसी से लैस ट्रैक्टर प्रदान करते हैं। भारतीय ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने बुधवार को घोषणा कर बताया कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने उनके किसान ड्रोन के लिए टाइप सर्टिफिकेशन और RTPO अप्रूवल दे दिया है। नवीनतम विनिर्माण क्षमताओं और मजबूत प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि के साथ मेड इन इंडिया किसान ड्रोन विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों जैसे फसल हानि में कमी, फसल स्वास्थ्य निगरानी, उपज माप और न्यूनीकरण के लिए विकसित किया गया है। गरुड़ किसान ड्रोन GA-AG मॉडल के लिए टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद भारत सरकार से 5% ब्याज और 50% से 100% सब्सिडी पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 10 लाख रुपए के असुरक्षित ऋण के लिए पात्र है। गरुड़ किसान ड्रोन, जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए है, 25 किलोग्राम से कम की छोटी श्रेणी में DGCA अनुमोदित टाइप सर्टिफिकेशन वाला एक उन्नत स्वचालित कृषि ड्रोन है। किर्लोस्कर सिस्टम्स ने 27 दिसंबर को घोषणा कर स्वर्गीय विक्रम किर्लोस्कर की पुत्री मानसी टाटा को तत्काल प्रभाव से कंपनी के जॉइंट वेंचर फर्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नियुक्त किया। मानसी टोयोटा इंडस्ट्रीज इंजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ किर्लोस्कर टोयोटा टेक्सटाइल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, टोयोटा मटेरियल हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेंसो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक का पदभार संभालेंगी। मानसी टाटा स्वर्गीय व्यवसाय की इकलौती बेटी और किर्लोस्कर कंपनी की 5वीं पीढ़ी की वंशज हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन से स्नातक हैं। उन्होंने टोयोटा निर्माण प्रक्रियाओं के साथ साथ जापानी कार्य संस्कृति में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 5वीं पीढ़ी के किर्लोस्कर वंशज कला के प्रति जुनूनी हैं और उनका NGO केयरिंग विद कलर कर्नाटक के 3 जिलों में सरकारी स्कूलों के साथ काम करता है। हरियाणा सरकार राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों की आय बढ़ाने के लिए 35 HP से अधिक क्षमता के ट्रैक्टरों पर 50% अनुदान देने की योजना बना रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकुला द्वारा 2022-23 के दौरान SB 89 योजना के तहत 600 ट्रैक्टरों पर सभी जिलों में अनुसूचित जाति के किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना केवल अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है। साथ ही अनुसूचित जाति के किसान जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत हैं, सरल पोर्टल पर 10 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक इस साल 9 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बेचे जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू बाजार में ट्रैक्टर की खरीदारी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि अप्रैल से नवंबर के बीच देश में 6.68 लाख ट्रैक्टर बिके। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक यानी मार्च 2023 तक यह आंकड़ा 9 लाख ट्रैक्टर की बिक्री के स्तर को पार कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पहली बार है जब उन्होंने भारतीय ट्रैक्टर बाजार में बिक्री का इतना ऊंचा स्तर देखा है। बिहार सरकार इस समय कृषि यंत्र सब्सिडी के आवेदनों पर कार्रवाई कर रही है। राज्य के इच्छुक किसान 31 दिसंबर 2022 तक बिहार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार के व्यक्तिगत किसानों को कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40-80% तक सब्सिडी प्राप्त होगी। इस योजना के तहत बिहार कृषि विभाग किसानों को आधी कीमत पर धान ट्रांसप्लांटर मशीनें उपलब्ध कराएगा। धान ट्रांसप्लांटर मशीन की खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म मैकेनाइजेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेबसाइट पर जाएं। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार 50 हॉर्स पावर से अधिक इंजन शक्ति वाले ट्रैक्टरों के लिए नया उत्सर्जन मानक भारत स्टेज ट्रेम 4 जनवरी 2023 से प्रभावी होने के लिए तैयार है। यह मानक घरेलू ट्रैक्टर की मात्रा में लगभग 7-8% को प्रभावित करेगा। नए मानकों द्वारा एक और बदलाव लाया गया है जिसमें ट्रैक्टर कंपनीज OEM ट्रैक्टरों के साथ अपने पोर्टफोलियो को फिर से तैयार करेंगी जो कम हॉर्स पावर पर अधिक टॉर्क प्रदान करेंगे। 10-15% मूल्य वृद्धि के आधार पर ICRA का अनुमान है कि 50 HP श्रेणी के ट्रैक्टर के उत्पादन में 1-1.5 लाख रुपए की वृद्धि आएगी। हालांकि 50 HP श्रेणी के ट्रैक्टर कुल उद्योग की मात्रा का केवल 7-8% हैं, जबकि अधिकांश ट्रैक्टर बिक्री 30-50 HP रेंज में होती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अप्रैल अक्टूबर 2013 से 14 में भारत से कृषि ट्रैक्टरों का निर्यात 2760 करोड़ रुपए का था, जो अप्रैल अक्टूबर 2022-23 में बढ़कर 7613 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती वैश्विक मांग के साथ भारतीय ट्रैक्टर निर्यात लगातार बढ़ रहा है। 2013 की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत से कृषि ट्रैक्टरों के निर्यात में 2.75 गुना वृद्धि हुई है। भारत का ट्रैक्टर उद्योग अपने राजस्व का 10% निर्यात से प्राप्त करता है। ट्रैक्टर निर्यात का कुल मूल्य $1 बिलियन से अधिक माना गया है। रिकॉर्ड्स के अनुसार भारतीय ट्रैक्टर के शीर्ष खरीदार अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका हैं। जिला कृषि विभाग ने 3 जनवरी तक सब्सिडी पर कृषि मशीनरी प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर जतिंद्र सिंह गिल ने कहा कि इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। गिल ने कहा कि जहां व्यक्तिगत किसानों को चयनित मशीनों पर 50% की सब्सिडी दी जाती है, वहीं किसान समूह 80% सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए ट्रैक्टर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।